हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे एक फ़ोन है और इसके फ्लैश लाइट से यहाँ पे वीडियो चल रहा है। देख लीजिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि इसके फ्लैश लाइट से ये वीडियो चल रहा है। तो इस तरह का वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं मात्र 1 मिनट में? और इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने का फ़ायदा क्या होता है? जैसे मान लीजिए, अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, कोई भी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जैसे रील्स पे अगर आप बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे, उसके बाद से मोज पे, या फिर टकाटक पे, ऐसे जितने भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म हैं, इन सभी पर अगर आप वीडियो बनाते हैं और इस तरह का वीडियो अपलोड करते हैं एक यूनिक वीडियो एडिटिंग के साथ, और उस वीडियो को वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपने कुछ यूनिक किया होता है। तो अगर आप इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, आपको कैसे करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और ये कौन सा एप्लीकेशन है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि ये एप्लीकेशन कौन सा है और इसको कैसे यूज करना है, कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे, हम आपको बता दें कि जब आप इस एप्लीकेशन को आप यूज करिएगा तो नेट ऑफ़ कर दीजिएगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा, हम आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट स्टार्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और मैं आपको नेट ऑफ़ करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको एड देखने के लिए मिलेगा। तो जब आप नेट ऑफ़ कर देंगे तो आपको कम एड देखने के लिए मिलेगा। आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है, और जैसे आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ से आपको वीडियो गैलरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख लीजिए, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऐड आएगा, उसको आप कट कर दीजिएगा और अपने प्रोफाइल से एक कोई भी अच्छा सा वीडियो ले लीजिए जिसको आपको वीडियो एडिटिंग करना है। और ध्यान रखिएगा, जब ऐसा आप वीडियो बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं और इस ऐड को हम कट कर देते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आप नेट ऑफ़ करके इस ऐप का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपको ऐड देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, वीडियो कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ से आप स्किप करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, तो कुछ इस तरह का। और अगर आप चाहें तो ये थीम चेंज कर सकते हैं। थीम कैसे चेंज करना है, यहाँ ऊपर आपको थीम का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करके कोई भी थीम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है, आप अलग अलग थीम भी यूज कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे और इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको सेव करने का ऑप्शन नहीं देता है। जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेंगे तो ये जो भी वीडियो होगा ऑटोमेटिक स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा और आपका वीडियो बनके तैयार हो जाएगा, जो भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से इस ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कौन सा एप्लीकेशन है, हम आपको बता देते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, इस ऐप का नाम है HD वीडियो प्रोजेक्टर सिमुलेटर। यहाँ पे देख लीजिए, जब आप प्ले स्टोर में जाकर इसको सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।